आज देश भर में वसंत पंचमी मनाई जा रही है। इसे लेकर स्कूलों में तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। वसंत पंचमी को हमारे देश में प्रमुख त्योहारों के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। वसंत पंचमी एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो वसंत ऋतु के आने पर मनाया जाता है। यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ माह में मनाया जाता है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी और फरवरी के महीनों के बीच आता है। माँ सरस्वती को वसंत पंचमी की देवी के रूप में पूजा जाता है। इस दिन लोग पीले कपड़े पहनते हैं। इस उत्सव के लिए पीले रंग का एक विशेष महत्व है, जो कि प्रकृति की आभा का प्रतीक है। इस त्यौहार के दौरान भारत का फसल क्षेत्र पीले रंग से भर जाता है, क्योंकि इस समय सरसों के पीले फूलों से धरती अलंकृत होती है। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं। शास्त्रों के अनुसार उनके चार हाथ हैं, जो बुद्धि, सावधानी और एकाग्रता के प्रतीक हैं। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के पांचवें दिन एक बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, जिसे वसंत पंचमी कहते हैं। इस दिन लोग माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, साथ ही पीले वस्त्र धारण करते हैं।